समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA से हटने का फैसला किया है। विधायक ने शनिवार को ये घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी हालिया हार के बाद शिवसेना UBT ने हिंदुत्व एजेंडा अपनाया है। समाजवादी पार्टी का ये कदम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नार्वेकर द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस और इससे संबंधित अखबार में दिए गए विज्ञापन की कथित तौर पर सराहना करने के बाद सामने आया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी में महाविकास अघाड़ी छोड़ने पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की अब प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने राय रखी है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी हित से परे जाकर BJP को समर्थन दिया था। अभी भी शपथ के समय भी उन्होंने MBA के विरोध में बयानबाजी की है। आइए आपको भी सुनाते हैं और क्या कुछ बोली शिवसेना UBT सांसद। हमने समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनको लेकर आदित्य जी ने अपनी राय रखी है। आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव हुए थे उन्होंने पार्टी के हित से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। अभी भी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तभी भी उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है जो महाविकास अघाड़ी के विरोध में है, जो मैं मानती हूँ अखिलेश यादव जी के विरोध में है, क्योंकि अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इंडिया अलायंस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने देश में सांप्रदायिक माहौल फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी जिसने भ्रष्टाचार फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, तो उसके खिलाफ जो काम हो रहा है महाराष्ट्र यूनिट पर संज्ञान लेना चाहिए और जो बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है वो उस पर जरूर ध्यान देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें उम्मीद है कि वे इन बयानबाजी पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि एंटी इंडिया वे हैं जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी। एंटी इंडिया वो लोग हैं जो वॉशिंग मशीन में धोकर क्लीन चिट दे देते हैं, उन्हें जॉर्ज सोरोस से बातें करनी शोभा नहीं देती। शिवसेना UBT सांसद ने आगे कहा कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद को साबित किया है, वे सबको साथ लेकर चलती हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम ने कहा कि सीटों के बंटवारे और बाद में चुनाव प्रचार के दौरान भी MVA में कोई समन्वय नहीं था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक आंतरिक बैठक में अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से हिंदुत्व के एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने को कहा। 6 दिसंबर को पार्टी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने MVA के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। अबू आसिम ने कहा कि शिवसेना UBT ने एक अखबार में बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को बधाई देते हुए एक विज्ञापन दिया था। उनके सहयोगी ने भी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, हम MVA छोड़ रहे हैं, मैं अखिलेश सिंह यादव से बात कर रहा हूँ। वीडियो डेस्क amaruchala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।